पापों की माफी और छुटकारा सिर्फ बाइबल में लिखा इस काश के नीचे और पूरी पृथ्वी के मनुष्यों में कोई दूसरा नाम खुदा ने नहीं दिया जिससे तुम बचाए जा सकते, वो एक ही नाम है यीशु। बोलो क्या है? उसी के नाम से आज ये भले चंगे आपके सामने गवाही दे रहे हैं। बहुत कुछ किया पर हल नहीं हुआ। मैं डॉक्टर ने भी पापा जी बखाया थे, मतलब कहते भी नाड़ा में तेरे टीके लगन गए भी जरा खून वा वो खराब हो गया वा ते नाड़ा में टीके लगन गए फिर भी ठीक होना ना होना। मेडिसिन तो खाई, बहुत खाई पर उसे हल नहीं। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम सर्वजीत कौर है और जे मखनविंडी गांव के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे बतारी की 2 महीने हो गए थे, इनकी बॉडी में गढ़ हो गए थे जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। जे बतारी के गढ़ जो हुए थे वो इनके घुटने के ऊपर थे। जे बतारी के उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खा रहे थे पर जे बतारी के एक गढ़ अच्छा नहीं होता था उसकी जगह एक और हो जाता था और टोटल जे बतारी के 8 गढ़ इनके बॉडी के ऊपर हो गए जिसके कारण जे बहुत परेशान थे और घुटने के ऊपर गढ़ होने के कारण इनसे चला नहीं जाता था, जे बैठ नहीं सकते थे, बहुत ही परेशान थे। मेडिसिन भी खा रहे थे पर उसके कारण भी जो गढ़ था रेशे से भरा था वो सूख नहीं रहा था। अभी हम इस पिक को देखेंगे। हम देख सकते हैं कि इस पिक में बहुत ही बड़े गढ़ थे जो इनके घुटने के ऊपर की साइड थे और जिसके कारण जे बहन बहुत परेशान थी, जे चल भी नहीं सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा दर्द होती थी और मेडिसिन का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बावजूद भी गढ़ और ही बढ़ रहे थे और जैसे जे सिस्टर ने बताया कि जब जे 22 सितंबर की मीटिंग में आए उन्होंने फॉर्म फिल कराया और जैसे इनके लिए ले और प्रार्थना हुई। अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। उसकी बॉडी में जो 2 महीने से गढ़ है उस गढ़ की जो प्रॉब्लम चूलों में बॉडी पे जो गढ़ है यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से वो सारे बीमारी देने वाली आत्मा गढ़ फुलाने वाली आत्मा उखड़े। इन द नेम ऑफ जीसस फ्री फ्री फ्री। चेक करो अपने आप को फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आज से सारे गढ़ सूखे और चट से बीमारी देने वाली आत्मा उखड़। और जे बता रहे कि जैसे इनके लिए लेन प्रार्थना हुई थी और जे विश्वास में बने रहे, प्रार्थना करते रहे और लगातार मीटिंग में आते रहे और जे बता रहे कि जो डॉक्टर ने कहा था कि आपके ब्लड में इन्फेक्शन है खून में इसके कारण जे प्रॉब्लम जा नहीं रही, पर जे बता रहे कि जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई और अभी जे बता रहे कि वो दिन ब दिन जैसे जे मीटिंग को अटेंड करते रहे, प्रार्थना करते रहे और वो गढ़ सूखने शुरू हो गए और आज जे बिल्कुल इस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके। अभी हम उस पिक को भी देखेंगे और अभी हम देख सकते हैं कि इस पिक में पूरी तरह से जो गढ़ थे पूरी तरह सूख चुके हैं और जे बहुत ही खुश है कि परमेश्वर ने जो 2 महीने हो गए थे इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे आज इनको परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया है। तो सिस्टर जी जब पहले आप बैठ नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, अभी आप बैठ कर दिखाइए, चल फिर कर भी दिखाइए सबको। हालेलुया। तो सच में कलीसिया जी परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के जीवन में काम किया जिसके कारण जे बहुत परेशान थे और आज 1 महीना हो गया परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से इनको आजाद कर दिया है। इस बड़ी गवाही के लिए हम कलीसिया परमेश्वर के दास और परमेश्वर को तारीफ करेंगे। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। सुनो सारे, सुनो ध्यान से, सुनिक चीज मैं आपको इस गवाही से समझाता हूं।
जब किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है, तो जब प्रॉब्लम होती है ना, तो उस हालात में इंसान का विश्वास नहीं बनता, पता है ना? क्या नहीं बनता? विश्वास नहीं बनता। इसलिए वो हमेशा ही फिर आगे पीछे हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि जब बीमारी रोग होता है तो फिर उसमें विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी वजह से ये पहले मीटिंग भी नहीं आ रहे थे, ना तो उठा जा रहा था ना बैठा, बड़ी मुश्किल थी, बहुत ज्यादा, थोड़ी नहीं थी, बहुत मेडिसिन खाई। सुनने में नॉर्मल लगता है, जिनके साथ आप बताओ कितना परेशान थे, लोगों को बताओ थोड़ा। पापा जी जय मसीह जी। जय मसीह। पापा जी मैं बहुत ज्यादा तंग हाँ, पापा जी मेरे को ना बैठा जाता ही ना उठा जाता ही, तो मैं रोंदी भी बहुत ज्यादा। मतलब हाँ, आपके गढ़ों में जो गढ़ हो गए थे वो सारे फोड़े के जैसे, उसमें रेशा भी भरा हुआ था ना। हाँ जी। तो टस टस करता होगा। पापा जी बहुत ज्यादा डेढ़े मोग पै गए हुए पापा जी, तो मैं डॉक्टर ने भी पापा जी बुखाया, तो मतलब कहते भी नाड़ा में तेरे टीके लगन गए, भी जरा खून वा वो खराब हो गया वा, तो नाड़ा में टीके लगन गए, तो फिर तुम ठीक होना, उन्ना तक नहीं ठीक होना। तो पापा जी जिदन प्रेयर की, मैं कोई टीका नहीं लगवाया, मैं हाँ मैं नहीं जाना भी। ये प्रेयर कितनी तारीख को ही? 22 सितंबर को प्रेयर आपने विश्वास से करवाई, ठीक है। हाँ जी हाँ जी पापा जी, पहले पापा जी मैं दवाई ते मन ला छड़िया ही, मैं चल थोड़े गाड़ी आ की गल करनी है पापा जी, तो मैं ताड़े ना गल नहीं शेयर की, मुड़के मैं जो ज्यादा ही तंग हो गई, फिर मैं पापा जी ना गल करनी पैनी है, तो पापा जी मुड़के जो ताड़े ना गल की, तो जो मेरे ते प्रे हुई, तो मैं उदन तो ही मैनू फोड़े निकलने बंद हो गए, जड़े एक एक गढ़ हटदा नहीं तो दूजा फिर चालू हो जाता ही, दूजा फिर हटदा नहीं तो दूजा फिर चालू हो जाता ही, तो पापा जी उदन तो ही प्रे की, उदन तो ही खत्म हो गया। उस दिन से वो सारे सूखने शुरू हो गए। हाँ जी पापा जी। सुनो, परमेश्वर काम करता है पर हमारे फेथ से। हमने पिछले दिनों में लगातार 3 हफ्ते एक ही वचन सुना ना। हाँ जी। कि बाइबल के जो चिन्ह चमत्कार हैं हमारे विश्वास पर आधारित हैं, समझे बड़ा सच और पाए सब दुखों से छुटकारा। तो कैसे मिलेगा ये छुटकारा? ये हमारे विश्वास पर आधारित है। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं बनेगा तो खुदाबंद का नियम है, कानून है, नहीं होगा। बोलो क्या है? नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह सबको पूछते, तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? तो जो व्यक्ति भी, चाहे अंधा है, लंगड़ा, कुछ किसी भी कोड़ी है, तो यस हाँ मुझे विश्वास है। बोलो क्या है? जब हमारे अंदर विश्वास आता है तो खुदाबंद का रूह, उसका आत्मा भी काम करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। और एक बात याद रखना, हम किसी को भी ये नहीं कहते कि मेडिसिन मत खाओ, क्या ना खाओ, हम किसी को ये नहीं कहते कि मेडिसिन ना खाओ, प्रभु तुम्हें चंगा है। जैसे संसार में बहुत ये बात आजकल चल रही है कि ये सारे लोग कहते हैं कि हम चंगा करेंगे, हम चंगा करें, तो वो कहते फिर हॉस्पिटल बंद कर दें। हम ऐसा कब प्रचार करते कि हॉस्पिटल बंद कर दो? आपने मेरे मुंह से कभी ऐसा प्रचार सुना है कभी कि हॉस्पिटल बंद कर दो? हम खुद लोगों को कहते हैं कोई बात नहीं, दिखाओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो काम डॉक्टरों से नहीं होता वो करने की ताकत रखता है, पर आप करवाओ। पर यहाँ पे डॉक्टर भी, जो काम नहीं होता तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं, अब कौन करेगा, कौन करेगा, वो भी तो फिर किसका नाम लेते हैं। ऐसा नहीं हम कहते कि तुम मेडिसिन ना खाओ, आप हॉस्पिटल ना जाओ, पर लोग अपनी बुद्धि से कुछ बातें बनाकर वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेवल, शैतान लोगों के मन को आगे पीछे करता है इसी रीति से, इन बातों से। डोंट वरी, तुम बने रहना, तुमने सत्य को जाना है, तुमने सच्चाई को जाना है, तुमने धर्म को नहीं उसकी धार्मिकता को जाना है। हाँ, यीशु मसीह धर्म नहीं, बोलो किसी का धर्म नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया है, और वो धर्म बनाने नहीं, वो धार्मिकता स्थापित करने के लिए आया है। आमीन। और वही चीज इनके जीवन में आई है। मेडिसिन तो खाई, बहुत खाई, पर उससे हल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हल नहीं हुआ। इसलिए यीशु मसीह के पास वो लोग आते हैं जो संसार से थके मारे हुए हैं, सब कुछ कर लिया, सब तांत्रिक बाबा जी के पास सब कुछ हो आए, तब लास्ट पे आते हैं
ऐसे नहीं स्टार्ट में आती। हर बंदा, मुझे पता है यहां पे जितने हम बैठे हैं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो भटका नहीं, घूमा नहीं अपनी चंगाई के लिए, अपने घर की शांति के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए। कहां कहां नहीं गया, सब जगह गया, पर नहीं मिली, नहीं मिली शांति, नहीं मिला छुटकारा। सिर्फ किसके नाम से मिला, किसके नाम से मिला? क्योंकि क्यों उसके नाम से मिला? क्योंकि पापों की माफी और छुटकारा सिर्फ बाइबल में लिखा इस काश के नीचे और पूरी पृथ्वी के मनुष्यों में कोई दूसरा नाम खुदा ने नहीं दिया जिससे तुम बचाए जा सकते। वो एक ही नाम है, यीशु। बोलो क्या है? उसी के नाम से आज ये भले चंगे आपके सामने हैं और गवाही दे रहे हैं। बहुत कुछ किया पर हल नहीं हुआ, पर ये हल किसने किया, किसने चंगा किया है? और डॉक्टर जीसस के लिए हम जोर से तारीफ करेंगे, जोर से दोनों हाथों। चायक के नहीं पहाड़ खनो सकदा, चायक के नहीं पहाड़ खनो सकदा, करिए जे विश्वास सब कुछ हो सकदा, करिए जे विश्वास पड़ोसी को सब कुछ हो तेरे लिए भी हो सकता है। खलो सकदा, करिए जे विश्वास के सब कुछ हो सकदा, के सब कुछ हो सकदा। जो लोग अपनी हीलिंग चाहते सब कुछ हो सकदा, खड़े होकर फिर करो। जो लोग अपनी चंगाई चाहते जो अपना काम चाहते हैं, जो लोग अपना काम चाहते हो सकदा, नेचर के नहीं बाहर खलो सकदा, सब कुछ हो सकदा। हालेलुया, हे जय विश्वास के सब कुछ हो सकदा, के सब कुछ हो सकदा, के सब कुछ हो सकदा।